अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के अकबरपुर बैंक गांव में हैं। हमारे साथ एक टेम्पो ड्राइवर है और टेम्पो जो हमारे पीछे दिख रहा होगा ये रिक्शा, इसके मालिक है। इनका नाम मोहम्मद अनीस है और इनके हाथ में इतना दस्तावेज जो आप देख पा रहे हैं और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई एग्जाम में पास नहीं हुआ है। हालांकि ये अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती किया है और फेल हो गया है। फेल किस लिए हो गया ये हम आपको बता देते हैं। बजाज एजेंसी बहुत बड़ा एजेंसी है, इंडिया का सबसे टॉप एजेंसी के नाम से जाने जाते हैं बजाज। बजाज का ये खुद का अपना प्रोडक्ट है, ये गाड़ी बजाज का खुद का है। के साथ जो फ्रॉड हुआ है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा ये करेंगे कि इन्होंने बजाज से गाड़ी खरीदा और बजाज कंपनी ने इनके साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड ये किया कि बजाज का जो डीलरशिप लिया था, जो इनके ओनर थे, वो बस स्टैंड सुपौल बाजार के जुमनी मोड़ पर बैठे थे। तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, उस दुकान का जो आपके डिस्प्ले पर चल रहा होगा आप देख पा रहे होंगे। ये वही एजेंसी है जो पेट्रोल पंप ऑल्ड पेट्रोल पंप के ठीक सामने है और बजाज एजेंसी के जो प्रोप्राइटर थे यानी बबलू जी, वो यहाँ से फरार हो चुका है। इनका 85,000 रुपया, इनका 85,000 रुपया फाइनेंस, यानी कि ये समझिए ये गाड़ी लोन पर लिए थे। फाइनेंस पर बजाज खुद फाइनेंस करती है, लेकिन बजाज ने खुद फाइनेंस नहीं करने के बजाय इनको एक इंदुजा कंपनी से फाइनेंस करवा दिया। कंपनी ऐसा है जो प्राइवेट लिमिटेड है, उनसे इनका फाइनेंस कर देते हैं। उस फाइनेंस का जो किस्त इनको हर मंथ में भरना होता है, ये लगातार 4 साल से भर रहे हैं। साल 2019 के 19 नवंबर को इन्होंने गाड़ी निकाला था और गाड़ी निकालने के लिए अपने परिवार का जीवनोपार्जन के लिए एक अच्छा साधन इनके पास था, क्योंकि ये बेरोजगार थे, रोजगार का कोई साधन नहीं था। अब ये दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। ये जब एजेंसी पर पहुंचे, जो 85,000 का हिसाब मांगा तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये बेचारे पढ़े लिखे भी कम है और ये समझिए कि गांव के अक्सर सुदूर इलाके के जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और इसका बेनिफिट फाइनेंस वाला उठाते हैं। खास करके आपने देखा होगा 80% महिलाओं को लोन देते हैं और फिर उसको किस तरह से अपने जाल में फंसा लेते हैं। बहुत सारा मामला हमारे प्रकाश में भी आया और आप लोगों ने देखा है। मोहम्मद अनीस हमारे साथ है, आपके साथ जो मामला हुआ 85,000 रुपया आपने उसको दिया, क्या रिसीव नहीं दिया? रिसीवर हमको एक, अभी जो हम चेक किए तो रिसीवर हमको 35,000 का मिला सर, उस पर लिखा 35,000 रुपया है। तो हम बोले ये तो आप दिए कितना थे? हम 85,000 रुपया दिए थे, एक पुराना गाड़ी भी हमसे ले लिया था। जब 85,000 रुपया आप दिए, हाँ, तो आप उनसे पूछे नहीं कि मेरे पास रसीद दीजिए, हमको ओरिजिनल पेपर दीजिए बना के? हमने बोले तो बोला कि यही है कागज, आप रख लीजिए, टेंशन आप ले लीजिए, आप ऑनलाइन का बहाना बनाया जी, बोला से आप जो है ना यहीं पर हमको पैसा दीजिएगा, दरभंगा या कहीं आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे पास दे दीजिए काउंटर पे और हम इस आपको पर्ची दे दिया करेंगे। तो क्या हुआ? तो अब हुआ, हम सोचते हैं अगर हमारे ऊपर अगर पैसा डोज होता है सर तो हमसे ले लीजिए, नहीं अगर हमारा गरीब का निकलता तो आप हमको दे दीजिए लेकर के, और इससे ज्यादा हम आपको क्या कहेंगे। आप बजाज एजेंसी वाले से मिले तो क्या कहा उसने? बजाज एजेंसी हमने गए मुजफ्फरपुर, हमने पूछते पूछते मुजफ्फरपुर गए, 3 आदमी से गए, हमारा 2,000 रुपया गाड़ी भाड़ा में लगा। जब अंदर जब हम गए पता लगा करके, बहुत मुश्किल से हमको मिला, तो बोला देखिए दुर्गा पूजा के बाद आप हमसे मिलिएगा, जब दुर्गा पूजा के बाद से मिलिएगा। फिर हम फोन किए तो फिर वो बोले से अभी नहीं है, बाद में बात कीजिएगा। तो उसके बाद में फिर एक लोन डाल दीजिए, मतलब फोन आता था हमको चल एक और डाल दीजिए, फिर हम उसको 10,000 रुपया डाल दिया। आप किस्त भरने के लिए कहाँ जाते थे? हम जाते अब उसके बाद ऑनलाइन करते थे, उसके बाद ऑनलाइन करता जी, ऑनलाइन का पूरा डाटा है, पूरा डाटा मेरे पास ऑनलाइन का। कितना महीना टोटल आप किस्त भरे हैं? किस्त हम भरे लगभग मान के चलिए ना लॉकडाउन से पहले से भर रहे हैं ना, लॉकडाउन से पहले जी, गाड़ी नहीं है जब से, कभी लगा नहीं है। फिर क्या हुआ जब आपको आखिरी बार बुलाया गया? जब आखिरी बार बुलाया गया हुआ मुजफ्फरपुर गए ना, तो बोला देखिए दुर्गा पूजा के बाद आपका निर्णय कुछ करेंगे। क्या निर्णय करेंगे, क्या हुआ था? तो पैसा हम बोले सर मेरे पास जो मैं इतना पैसा दे दिया हूँ तो मेरा हिसाब कीजिए, अगर मेरे पर निकलता तो आप लेकर के नोट उच कर दीजिए हमको। तो बोलेगा अभी कुछ नहीं होगा, जाइए दुर्गा पूजा के बाद। ये मुजफ्फरपुर में जी? मुजफ्फरपुर में कहा। आप गाड़ी लिए थे बिरौल से? हम लिए थे बिरौल से, लिए थे। बताइए ये आदमी बिरौल से गाड़ी लिया तो फिर इनको कोई भी समस्या होगा तो इनका स्थायी निदान बिरौल में होना चाहिए, न कि जिला दरभंगा पहुंचना चाहिए, समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर। ये ड्रामा खास करके बजाज वालों का है, हम बजाज वालों पर बाद में बात करेंगे। अच्छा
आप इस मामले में कहां तक पहल किए, किन कहां तक शिकायत किए? हम तो जाहिल जबड़ो कुछ जानते नहीं है, हम तो अंगूठा छाप है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। तो जानकार आदमी को जो कागज दिखाए ना, तो बोला आपका तो पैसा बहुत हो गया जी, आप काहे अब जमा कर रहे हैं? बोले नहीं, हमको तो निर्णय करना है, हमको तो मतलब नोट उच करवाना है ना, हो सकता है कहीं पकड़ ले हमारा गाड़ी। और आज तक हमारा गाड़ी को कहीं रोक ठीक नहीं किया, नहीं पकड़ा। क्योंकि इससे पहले अनीस के साथ जो घटना हुआ, मैं चाहूंगा कि ये घटना किसी और के साथ ना घटे, तो इसलिए सभी लोगों को थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मोहम्मद अनीस का यही गलती था कि इन्होंने रिसीविंग नहीं जी, जी एजेंसी पर जो हम अभी गए थे, तो अब जो भी दूसरे आदमी बैठा हुआ है, तो बचवा का नाम तो भूल गए हम, तो उसका कहना हुआ एक आपके साथ नहीं हुआ ये घटना, ये कम से कम 50 के साथ ऐसा घटना किया है, एक का 3 लाख लेके भाग गया, एक का 1 लाख के भाग गया। अब बताए हम किसके किसके भरपाई हम करेंगे, इसलिए हम उसका पता बता देते, आप जाइए वहाँ। तो उसका फोटो तो हम ले लिए, तो अब बताइए वो रहता है बेगूसराय तरफ रहता, उसको हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी ढूंढने के लिए, भागलपुर का रहने वाला है, उसको हम कहाँ ढूंढेंगे? इस मामले को लेकर के उपभोक्ता कोर्ट में जा रहे हैं, ये इसके लिए हम कोर्ट में सर हम तो जाएंगे आएंगे, मगर इसके लिए तो एजेंसी वाला ना इसको ढूंढ के निकालेगा, वो आदमी कहाँ है, उसको हाजिर किया जाए और मेरे सामने किया जाए। अब एक और नई बात आ गई कि जहाँ पर पहले से एजेंसी था, अभी भी एजेंसी वही है, ऑयल पेट्रोल पंप के ठीक सामने, लेकिन अब जो एजेंसी है वो किसी नए लोगों को दे दिया गया, यानी पुराने लोग जो पहले वहाँ काम कर रहे थे वो बिरौल से लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर फरार हो गया। तो ये मामला बिरौल थाना क्षेत्र के अकबरपुर बेग मोहम्मद अनीस के साथ हुआ एक घटना, जिस घटना के बारे में मैं विस्तार से आपको बता दिया। और हम तो यही कहेंगे, मेरा जहाँ तक हो गरीब आदमी हमारा निर्णय कर दिया जाए, और जो भी हमने कमा सब पैसा इसी को हमने देते चले गए, हम कोई पैसा घर में खर्चा उर्चा, हमारे बाल बच्चा छोटा छोटा है, गाड़ी लेकर के हम कमाते थे या उसी को जमा करते थे हम।